आज हम सभी जो है यहाँ पर ये पचकुया रोड गोलचक्कर के पास में आई लव करोलबाग आइकॉन का उद्घाटन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा दूसरा, हमारे क्षेत्र में दूसरा आइकॉन है और ऐसे लगभग हमने जो है 7-8 जगह चिन्हित कर रखी हैं जहाँ पूरी विधानसभा के अंदर जो है इस तरह के आइकॉन लगाए जाएंगे। 2 लग चुके हैं, 4-5 जगह और इसको जो है हमने प्लान करना है और इसके पीछे मकसद यही है कि हमारे क्षेत्र की जो है वो खूबसूरती बढ़े। जो लोग यहाँ से निकलें करोलबाग से, तो करोलबाग इस तरह के आइकन देख के जो है उनको अच्छी फीलिंग आए, उनको लगे कि करोलबाग से वो, जब उनको पता लगे कि करोलबाग से वो निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी अच्छा लगे कि सिर्फ जो है क्या नाम है, पानी, सीवर, सड़क, बिजली, इसी पे काम सरकार नहीं करती है, विधायक काम नहीं करते हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग जो है काम करते हैं। करोलबाग इतना बड़ा मार्केट है, धीरे धीरे आप इसके लिए भी ट्रैफिक के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहे होंगे। ट्रैफिक के लिए काम चल रहा है, अभी निगम में सरकार बनने के बाद से हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है। कुछ जगहों पे हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का हमारा काम प्लानिंग में है, तो आने वाले कुछ 2-3 साल के अंदर ये जो ट्रैफिक की समस्या है इस पे जो है हल निकलेगा, इसका हल निकलेगा। आने वाले जो चुनाव है 2025 के लिए, उनके लिए क्या तैयारी चल रही है, जिस तरीके से आप दिल्ली को संवार रहे हैं, T20 भी निकला अभी करंट जी 25 में तो विधानसभा चुनाव होंगे, आप उनकी बात कर रहे हैं। जी सर, तो चुनाव तो हम डे वन से ही जो है काम कर रहे हैं। तो पहले का ज़माना था जब नेता जो है चुनाव का जब आता था समय 6 महीने पहले या साल में, उस साल चुनाव के साल में एक्टिव होते थे, वो ढूंढते थे फाइलें और जो है काम ढूंढते थे, बुलाते थे अपने लोगों को भी, कुछ काम है बताओ क्या करना है क्या करना है। लेकिन हमने तो जिस दिन से जीते हैं उस दिन से जो है हम काम कर रहे हैं। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन हम कोई उद्घाटन नहीं करते, क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, तो हमारे को उस लिहाज से कोई टेंशन नहीं है। हम 5 साल से लगातार जो है चुनाव के मूड में है, चुनाव जब मर्जी हो जाए हम तैयार हैं। MCD इलेक्शन जीते हैं, फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, हमारे इस क्षेत्र में 2 निगम पार्षद हैं और दोनों जो है उनके सहयोग से जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आगे। फैमिली बैकग्राउंड तो आपका पॉलिटिकल रहा ही है। हाँ बिल्कुल, पुराना हमारा जो है बैकग्राउंड है, पिताजी जो है वो राजनीति में रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति से लेके वो जो है वो देश की राजनीति तक जो है रहे हैं। उसके बाद जब हमें मौका मिला तो हम भी जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी करंट में ABJP के चुनाव जो जीते हैं उससे क्या लगता है कि जो नए नए जो यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, नौजवानों को जो है राजनीति में आना चाहिए। आमतौर पर नौजवान जो है खाली दूर से देख के जो है वो कामों को देख के शिकायत करते हैं, नेताओं को देख के कोसते हैं, ये अच्छी बात है वो आए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके देखें कैसे काम होता है, सेवा के काम को ओटें। थैंक यू, धन्यवाद।